यह विचार उर्यार रिप सुदिन सुवसर पाई प्रेम पुलित तन मुदित मन गुरही सुनायो जाई कहई भुवानी अखंड मंगलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तत्पदम दर्शितमजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय गुरुदेव जी के चरण कमलों में इस दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो राजन, आशीर्वाद हो। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? परम आदरणीय गुरुदेव जी, जरा मेरे विचारों को ध्यान से सुनिए। हे देव, उतरता है सिर से अब वह प्रेत जवानी का, देखिए सुखता जाता है कुछ अपना खेत जवानी का। तरुण अवस्था बादी है और वृद्ध अवस्था रानी है, मेरे ही सोने सोने में हो रही चांदी ही चांदी है। प्रभु, पिछले पुरखाओं के समान अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम, अब उन्हीं को राज्य चलाने दे। परम आदरणीय गुरुदेव जी, मेरे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए, ये उपदेश दे रहा है कि मेरी वृद्ध अवस्था आ गई और मेरा राम 27 वर्ष का हो चुका है, इसलिए मेरे हृदय की अभिलाषा है कि श्री राम को अयोध्या का राजा बनाकर पिछले पूर्वजों के तरह मैं घरों में नहीं बल स्थलियों में जाकर एकांत में रहकर भगवान के भक्ति भाव भजन में अपने शेष जीवन को बिता दूं। इसी प्रस्ताव को लेकर आपके पास आया हूं, आपका क्या मत है गुरुदेव? हे अवधपति, हे द्रुपति, यह है उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। सुने राजन, पुत्र के डाले राजभार राजाओं का है कर्म ही, राजाओं का है कर्म ही, चौथापन परमात्मा को दे, गृहस्थियों का है धर्म ही। यही विचार अति सुंदर है, यही विचार अति सुंदर है, छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंता मन जब अपने घर है। हे राजन, आपका अति सुंदर विचार है, आपके विचारों से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि जो एक गुण राजा के अंदर होना चाहिए वो सभी गुण श्री राम के अंदर समाहित हो चुके हैं। राजन, श्री राम को राजा बना दिया जाए। बाबू देवा,
आपके मन की बात जानकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। आइए चलिए सभा के मध्य अयोध्या की हर नर नारी को उपस्थित करवाता हूँ और उन लोगों के मन की बात जान लेता हूँ, फिर जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। चलिए राजा।